समझ नहीं आ रही यार क्या करूँ मैं क्या पहनूँ अरे यार तुम तो यार नहीं अभी तक हमारी कजन की ग्रैंड ढोल के और अभी तुम ऐसे ही फिर रही हो हाँ यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूँ इतनी अचानक से आज कज़न की ढोलकी भी है और मैंने तो कुछ शॉपिंग भी नहीं की मैं क्या पहनूँ यार कुछ नहीं भी नहीं समझ ही नहीं, 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 नहीं आ रही है फंक्शन में कुछ पहना हो कुछ बनाया हो नीचे हानिया और रानिया भी आ गई है और उन्होंने बोली लहंगे पहने जो उन्होंने लास्ट में अपनी कज़न की शादी में पहनी मुझे उनकी तरह ना दिखना भी नहीं है और ना मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह हैवी ड्रेसेस पहनूँ और हैवी ज्वेलरी मैं वैसा नहीं बनना चाहती ना मुझे वैसे क्या चाहती है फिर तुम यार मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ड्रेस हो ना तो थोड़ा सिंपल भी हो और थोड़ा अलग से भी लगे डिफरेंट लगे मेरी लोग मेकअप एंड ईटर मेरी कजन तो की ढोलकी है तो मैं अच्छे से दिखना चाहती हूँ अच्छा तो ये बात है तो चलो फिर ये वाली वीडियो देख लो सब समझ में आ क्या ये वाकई नहीं तो चलो देखते हैं थाके लिए। थाके लिए। थाके लिए। है। एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल होप यूल जैसे कि आपको पता है कि वेडिंग सीजन चल रहा है सो so इतनी ज्यादा शादियों के फंक्शन आते जा रहे हैं ना कि समझ लग रही है क्या करें कहाँ से इतने कपड़े और ज्वेलरी का अरेंज करें मतलब बार बार तो हम इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं ना लेकिन आज की वीडियो में ना आपको बहुत सारे वेडिंग हैक्स मिलने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने आउटफिट्स को री कर सकते हैं कोई ब्रांड so तो इसके लिए आपको इस हैक से बड़ी वीडियो को फुल वॉच करना होगा तो चले स्टार्ट कर लेते हैं तो जहाँ पे बात आती है हमारे कपड़ों की सो हम सब के पास ना एक ऐसा ड्रेस ज़रूर मौजूद होता है जो कि बहुत खूबसूरत भी होता है और बहुत कम पहना जाता है और अगर कोई ड्रेस आप पहले पहन भी चुके हो ना तो उसके साथ आप अपना हेयर स्टाइल मेकअप और ज्वेलरी चेंज करके दोबारा रिक्रिएट कर सकते हो उसकी लुक सो कोई कह भी नहीं पाएगा कि आपने ये ड्रेस पहले पहना हुआ मतलब आपकी टोटली लुक चेंज हो जाएगी सो मेरे पास ये वाला भी ड्रेस जो है ना मैं पहले अपनी बर्थडे पर पहन चुकी थी और इसके साथ पहले मैंने लुक किसी और तरीके से की थी और आज मैं इसको ढोलकी के फंक्शन के लिए इसकी लुक डिफरेंट करने वाली हूँ सो so, फ्रेंड्स तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना मेकअप और मैंने कॉन्टैक्ट लेंजेज़ भी वेयर कर ली हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं अगर आपको नज़र आ रहे होंगे तो और मैं यहाँ पर वेयर कर लूँगी ये हेडबैंड जो कि बहुत ही कम्फी और क्यूट सा है ये मैंने जरात से ऑर्डर किया था तो सबसे पहले मैंने खुद का बनाया हुआ मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है दें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देंगे ताकि हमारी स्किन भी थोड़ी सी प्रैप हो जाए वैसे भी सर्दियाँ है तो स्किन का मॉइस्चराइज होना ज़रूरी है सो इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से इस पर अप्लाई कर लिया है और सबसे पहले हम अपने आई को अच्छी तरीके से कॉम कर यहाँ पे हमने फिल भी कर लिया है क्योंकि फिल करना जो है ना मैं बहुत वीडियो में बता चुकी तो वीडियो जो है वो ज़्यादा बोरिंग ना हो इसलिए मैंने जल्दी से फिल कर ली और अब मैं ब्रश इस तरह से कंसीलर अप्लाई करके अपनी आई को नीट कर लूंगी सो so, हमने आईसपी को भी स्टार्ट करना है तो इसलिए मैं हमेशा ना मेकअप आई से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि जो भी हम लोगों ने अपने फेस पे अप्लाई किया हो वो अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा और हमारी स्किन प्रैप हो जाएगी सो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से कंसीलर को भी ब्लेंड कर दिया और अब मैं थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से फेस पाउडर अप्लाई करते हुए इसको मजीद सेट कर रही हूँ और अगर आप मैं मैट शेड अपलाई करते हुए मेकअप करने वाले हैं तो आप फेस पाउडर ना अप्लाई करें इस तरीके से जो है ना वो अच्छे तरीके से शेड्स स्टे करेंगे तो मैं आज कोई ज्यादा मैट शेड नहीं यूज करने वाली इसलिए मैंने अच्छे तरीके से इसको सेट uh, कर दिया है फेस पाउडर से और यहाँ पे मैंने एपी के कॉस्मेटिक्स का एक फ्लफी ब्रश लिया है और मैं यहाँ पर ना एक बेबी पिंक कलर का शेड ले रही हूँ ग्लैमरस फेस की जो है ना थोड़ी सी पफी है और इनकी कोई प्रॉपर क्रीज नुमाया नहीं होती इसलिए मैं इस तरह से ना फ्लफी ब्रश की हेल्प से ही पूरी आई पर ही अप्लाई कर लेती हूँ दैन अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ और अब मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टाइन का ये फ्लैट ब्रश और पर्पल कलर का शेड यूज करते हुए इस तरह से मैं अपने आउटर कॉर्नर में एक ट्राई एंगल बना लूंगी और ये शेड जो है वो थोड़ा शिमरी सा शेड ही है सो so इस तरीके से भी आप इस तरह से यूज करते हुए कर सकते हैं और मैंने ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लिया था मेकअप सेटिंग्स स्प्री की हेल्प से सो इस तरीके से ना ट्राई एंगल बनाने के बाद अब इसको आपने अंदर की तरफ ब्लेंड करना स्टार्ट इसके कर दिया है है जो इसकी ना जो ऊपर की साइड पर मैंने पहले वाला ही जो ब्लेंडिंग ब्रश यूज किया था उसकी हेल्प से इसको इस तरीके से ब्लेंड कर दिया था और अब हम टेप को कर देंगे रिमूव और जो भी इस तरह से कोई एक जिस क्रिएट हो गया है उसको अच्छी तरीके से मैंने हाथ से ब्लैंड कर दिए हैं और सेम शेड जो पर्पल शेड था उसको मैंने छोटा अप्लाई करने के बाद तरीके से ब्लेंड कर दिया है, है। देन इस इसके बाद मैंने अगेन एक फ्लैट ब्रश लिया है और सेम पैर से ही मैंने एक सिल्वरी ऑफर शेड यूज किया है और ब्रश को वेट करने के बाद इस तरह से अप्लाई कर दिया है सो सेम ब्रश से सेम आई शेडो अप्लाई करते हुए मैंने इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज किया है सो इसको इस तरह से मैंने ब्रोबोन में अप्लाई कर दिया है और इसके बाद अब हम यूज करेंगे वाइट आई पेंसिल ताकि हमारी आईज जो है थोड़ी सी खुली और बड़ी बाद में नॉर्मल सा लाइनर क्रिएट कर लूंगी कोई मैंने यहाँ पर थिक या फिर विंग लाइनर अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरी आईज के मुताबिक सूट नहीं करता और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा जो है ना इस तरह से अंडर में भी अप्लाई कर दिया है छोटा सा एक वी क्रिएट करते हुए इस तरीके से जो जो है 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 वो 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 बड़ी लगती है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइनर इनर कॉर्नर में भी अप्लाई किया इस तरीके से वी बनाते हुए इस तरह से भी जो है ना आप मतलब आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर दोनों तरफ जो बारीक सा लाइनर वी शेप में अप्लाई करेंगे तो आपकी आईज जो है वो थोड़ी सी खुली और बड़ी भी लगेगी सो मेरी आईस भी छोटी

लिपस्टिक यूज की थी वो भी न्यूड से कलर की थी सो so, इसके बाद जब बात आती है दुपट्टे की सो so इस तरह से अगर आप अपने सिंपल ड्रेस के साथ थोड़ा सा फैंसी और हैवी दुपट्टा वेयर करें सो so आपके ड्रेस की जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर मेरे पास जो दुपट्टा है वो मैं पहले अपने ड्रेस के साथ पहन चुकी हूँ अपने बर्थडे पर और इसके साथ का ही दुपट्टा है जो कि इस तरह से तीन कलर के फ्रिल्स में है नेट पर दुपट्टा है और अगर आप इसको शादी के फंक्शन पर वेयर करें तो ये बहुत सिंपल सा लगता है इसलिए मैं इसके साथ गेवरा दुपट्टा वेयर नहीं करने वाली तो आप भी अपने किसी पहले पहन चुके ड्रेस के साथ थोड़ा फैंसी दुपट्टा पहन सकते हैं आपके पास मतलब घर में बहुत सारे इस तरह के दुपट्टे होते ही हैं जो पहने किसी और सूट के साथ आपने पहने हो थोड़ा फैंसी हो या फिर इस तरह से नेट के जो ये गोटी वाले दुपट्टे होते हैं ये भी घर में पड़े होते हैं तो यहां पर मैं आपको जैसे एक आइडिया दे रही हूँ या मेरे पास जो है वो एक स्किन सी कलर का दुपट्टा है आपके पास अगर किसी और कलर में है जो कि आपके ड्रेस के साथ मैच करता हो या फिर कंट्रास्ट में जाता हो तो आप उसको पहन सकते हैं और अपने ड्रेस की लुक को चेंज कर सकते हैं सो मैं यहाँ पर जो है वो इन तीनों दुपट्टों में से ये वाला जो पिंक कलर का दुपट्टा है ये चूज करूँ क्योंकि ये ड्रेस के साथ अच्छा लगे तो ड्रेस तो हमने ने अपना अरेंज कर लिया लेकिन अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि अब ज्वेलरी कौन सी पहनी जाए तो so, ढोलकी और मेहंदी के फंक्शन में तो आप जानते हैं कि हमारा जो ड्रेस है थोड़ा सा कलरफुल होता है तो उसके साथ तो कोई भी ज्वेलरी अच्छी से मैच हो जाएगी तो आप अपने ज्वेलरी में देखिएगा उसके साथ जो सेट लगे जो आपको अच्छा लगे आप सो so, तो मेरे पास भी कुछ इस तरह से ये झुमके पड़े हुए थे जो कि मेरे ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच हो रहे थे और ये इस तरह के जो झुमके हैं ना मतलब कलरफुल से और बहुत ही लाइट वेट भी होते हैं अगर आप बड़े साइज में झुमके भी पहनेंगे ना तब भी इनका कोई वेट नहीं होता तो इसके साथ मुझे बाजार से सेम जो है ना मैचिंग विजिया भी इजीली मिल गई थी क्योंकि हमारा ड्रेस जो है वो थोड़ा कलरफुल है थोड़ी ज्वेलरी भी कलरफुल हो गई है सो तो इस तरह से इजीली मिल जाएगी सो फ्रेंड्स इसके बाद अब हमें हेयर स्टाइल बनाना है एंड देन हेयर स्टाइल में भी, भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब ढोलकी का फंक्शन में हम किस तरह का हेयर स्टाइल बनाएं क्योंकि बाकी फंक्शन में हम डिसाइड कर लेते कि हम किसी फंक्शन में हम बालों को स्ट्रेट कर लेंगे कभी कर्ल डालेंगे या फिर किसी एक आधे फंक्शन में हम जो है वो हेयर स्टाइल बनवा लेंगे सो मैं आपके साथ बहुत ही ईजी सा और यूनिक सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जिसका बनाना बहुत आसान है और आप मतलब कंफर्टेबल रहते हुए अपने फंक्शन को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगी सो so इस तरीके से मैंने सेंटर मार्ग निकालते हुए और कोई आपको एक दो लट वगैरह निकालनी है निकाल आप वो निकाल सकते अगर आपके फेस के अकॉर्डिंग सूट करता हो देन इसके बाद अब हमें हेयर स्टाइल स्टार्ट करना है फ्रंट से और फ्रंट से जो है ना हम दोनों साइड्स पे ट्विस्टर बनाने वाले हैं और ट्विस्टर हेयर स्टाइल मतलब किसको नहीं बनाना आता बहुत ही बनाना आसान है आपको जस्ट इस तरीके से आपको अपने थम की हेल्प से बालों को पकड़ते जाना है एंड देन ट्विस्ट करते जाना है एंड देन बाकी के सारे बालों को एक बार फिर से ट्विस्ट करते हुए पीछे ले जाकर अच्छी तरीके से पंच के साथ सिक्योर दोनों साइड्स पर आपने इसी तरीके से करना है इसी को रिपीट करना है और आप जो है ना बाकी के बाल बचे हैं जो कि आप चाहे तो उसको स्ट्रेट करते हुए ओपन भी छोड़ सकते so हैं फ्रंट से हेयर स्टाइल बनाने के बाद अब हम बिंदिया लगाएंगे और इस तरीके से आपने पहले बिंदिया के अंदर एक हेयर स्टाइल पिन डालने के बाद अपने बालों अच्छे तरीके से इसको अटैच कर देना है देन इसको और अच्छे से सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर हम एक और पिन लगा देंगे ताकि हमारी बिंदिया जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट रहे सो बाकी के बालों की अब हम ब्रेड बनाएंगे और सबसे पहले हमने एक रबर बैंड डालनी है देन थोड़े से स्पेस के बाद एक और रबर बैंड डालने के बाद इसको सेंटर करते हुए थोड़ा सा लूज़ करने के बाद इसके अंदर से बाकी बालों को ट्विस्ट करके निकाल लेना है एंड देन इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने फूल करते हुए लूज़ कर लेना है सो so बाकी की भी सारी चटिया पर जो है ना आपने इस तरह से इसको पैटर्न को रिपीट कर लेना है और बाकी के बच्चे बालों को जो कि बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं आपने इसको अच्छे तरीके से दोबारा से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक रबर बैंड इसके ऊपर लगा दें ताकि हमारे बाल अच्छे से जो है वो स्क्योर भी रहें और इस तरह से बुरे भी ना लगे सो अब मैंने जो है ना इनको और खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर ये फैंसी से फ्लॉट्स लगा दिए हैं और अब हम पहनेंगे अपनी ज्वेलरी सो so, इसके बाद हमें बैंगल्स भी तो चाहिए ना इसके बग़ैर तो हमारे लोग कम्प्लीट ही नहीं होगी तो इस तरह से आप अपने सारी बैंगल्स में से ना हर कलर की थोड़ी थोड़ी बैंगल्स लेकर इस तरह से एक सेट बना लें जो कि हर तरह के ड्रेस के साथ चला जाएगा मतलब हर ड्रेस के साथ मैच होगा तो मेरे ड्रेस के साथ तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से मैच हो गया था क्योंकि मेरा वाइट और मल्टी कलर की कम्बीशन के साथ था तो मेरे ड्रेस के साथ ये परफेक्टली मैच था सो आप इस तरीके से अपने ड्रेस के साथ बाकी के बैगल्स में से थोड़ी थोड़ी निकालने के बाद अच्छे से सेट बनाकर इसको पहन सकते हैं So, he रही मेरी तेरी सहेली मेरी तुझे मुझे इतना सा तेरा चाहे तुछे? आई होप आप भी बहुत किया होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर ऐसा है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब ताकि और भी इस तरह की मजेदार और इन्फॉर्मेटिव हम आप सबके लिए लेकर आते रहे सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि